गाइस क्या होगा कि आपके माइनक्राफ्ट विलेज में एक टोर्नेडो आ जाए, वो भी कोई सिंपल टोर्नेडो नहीं, एक बहुत ज्यादा खतरनाक फायर टोर्नेडो जो चीजों को तहस नहस करने के साथ साथ उन्हें जला के राख भी कर देगा। व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं टियर डाउन। तो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एक माइनक्राफ्ट विलेज में फायर टोर्नेडो और भी बहुत सारे अजीब और गरीब डिस्ट्रक्शन। लेट्स प्ले। ऑलराइट, तो आज काफी ज्यादा सुहाना दिन है अपने माइनक्राफ्ट विलेज का और चारों तरफ विलेजर्स ही विलेजर्स मुझे नजर आ रहे हैं। बट एक सेकेंड, ये पागल हो गई हो क्या, क्या कर रहा है ये, देखना इसको। पे कहां फंस गया भाई तू, रुक जा मैं तेरे को बाहर निकालता हूं। इसको पकड़ के इधर से आना, इधर से आ जा, आ जा। अरे भाई, या तो इसका वजन ज्यादा है या फिर जमीन कच्ची है। ठीक है भाई, क्या हो गया तेरे को, ऊपर निकल ऐसे। नहीं, बस फाइनली मैंने इसको बाहर कर दिया। तेरी बहन, तेरे बस की नहीं है, तू निकल यहाँ से। तेरी स्केलेटन मजा दिया मैंने इसका मुंह फोड़ के, और शायद ये भी मर चुका है। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत सारे हट्स हैं इस वाले विलेज में। थोड़ा बहुत अंदर चल के चेक करते हैं कि आखिरकार इस विलेज में लूट कैसी है भी या फिर नहीं, वो मेरे को देखना का ज्यादा मन। चेस्ट ही नहीं है, क्या घटिया घर है ये। एक मिनट हटो भाई साहब, आगे से हटो दो मिनट के लिए, मेरे को चेक करके आना है कि क्या इस विलेज में चेस्ट है या कौन सा नशा करा है भाई, कौन सा पोशन पी लिया इसने। समझ ही नहीं आ रहा, अच्छा खासा जा रहा था, घास में अड़के गिर गया। बाकी यहाँ पर मुझे कुछ खास सामान नहीं दिख रहा, ये दो फ्लोर वाला घर है। एक बार ऊपर चलते हैं। चेस्ट नहीं है भाई, इनके पास चेस्ट नहीं है। बंद करो सब, यहाँ से बाहर निकलो, टाइम आ चुका है टोर्नेडो वगैरह बुलाकर इनके पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने का। वो एक बेल भी है, पूरा रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट। मैंने बेल बजाने की जगह गलती से ही मार के तोड़ दी, सॉरी। यहाँ पर बहुत सारे माइनक्राफ्ट के टूल है, ये अपना ग्रिड स्टोन है, इसको भी तोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं है। ओह फाइनली मुझे चेस्ट मिला, इसे ओपन करके देख। अरे ओपन हो जा दो मिनट, मुझे देखना आखिरकार इसके अंदर वो सामान है। ये देखो इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिला, ये देखो एक। अरे हट यार दो मिनट के लिए, यहाँ पर ये शायद से आयरन इंगेट है या फिर कुछ। ये रेड स्टोन है, ये रेड स्टोन है गाइज, ये देखो ये रेड स्टोन है, ये गन पाउडर है, ये भी रेड स्टोन है। वाओ, विलेज में रेड स्टोन कब से मिलने लग गया पता नहीं। लोहे का था, लोहे का होगा तो आयरन होगा यार, पता नहीं क्या था, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। इसको ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर। ओ वाओ लेडर्स, ऊपर चलते हैं। एक मिनट, मैं इस लेडर से ऊपर कैसे जाऊँगा। वैसे भी गाइस मेरे पास जेट पैक है तो मैं डायरेक्ट उड़ के भी ऊपर जा सकता हूँ, लेट्स गो। बट ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई इस घटिया माइनक्राफ्ट विलेज में, इतने सारे हट है बट कहीं पर भी ज्यादा काम की चीजें नहीं है। चलो अभी फटाफट से टोर्नेडो को बुलाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार अपना टोर्नेडो इस माइनक्राफ्ट विलेज को कितना डिस्ट्रॉय और कितने खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। और वेट, वो टोर्नेडो नहीं है, वो फायर टोर्नेडो है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले अपनी फायर टोर्नेडो को एक कोने में बुलाया जाए, उसके बाद में उसे माइनक्राफ्ट विलेज में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसे बुला लिया है और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार वो किस तरीके से चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म, एक सेकेंड में ट्री गायब। वेट, अब हम लोग ये वाला ट्री तोड़वा के देखते हैं। इससे भेजा मैंने और खत्म भाई। हाँ वेट, अभी ट्री बहुत हो गए, इस वाले फार्म को तोड़वाते हैं। ठीक है, मैंने उसे इस फार्म पे बुलाया। तो भाई कोबलस्टोन नहीं जा रहे शायद, नहीं कोबलस्टोन भी गए भाई, कुछ भी नहीं बचा भाई। एक काम कर, ये वाला हट तोड़ दे, ये गया भाई, तो वैसी लकड़ी का है और फायर टोर्नेडो से पूरा जला के उखाड़ डालेगा भाई। विलेजर्स भी चले गए उसमें भाई, क्या खतरनाक है। वेट, ये हो गया बहुत, एक काम करते हैं अब, ये वाला ट्री को ले जा, मेरा वाला घर भी जा सकता है जिसके ऊपर मैं शायद खड़ा हूँ, बट शायद इतनी रेंज नहीं है इसलिए घर रह गया। नाइस, इसको ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर है, इधर भेज देता हूँ, अब सारे घर जाएंगे भाई। खतरनाक, तीन चार घर पूरे एक साथ जलते हुए नजर आ रहे हैं, ये टोर्नेडो भाई कच्चा चबा जाएगा सबको। वेट, मैं तो छुप जाता हूँ पहले इधर, तब कहीं पता चला मेरे को लपेट ले। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे करके एक एक घर को इकट्ठा करता जा रहा है, और जितना सामान इसने तोड़ा है वो सारा इसके ऊपर घूम रहा है। और अगर मैं इस टोर्नेडो को स्टॉप करना चाहूँ तो ये मैं इसे ऐसे स्टॉप कर सकता हूँ, सारा बचा कुचा सामान नीचे आके गिर चुका है। एक बार पता करते हैं कि अपना विलेज कैसा हो गया। देखो यहाँ से मैंने टोर्नेडो को बुलाया, वो इधर गया, पूरी जगह राख कर दी। अभी एक बार चल के देखते हैं कि आखिरकार इस जगह का क्या क्या अच्छे से हाल हुआ है। वेट, यहाँ पर एक विलेजर भी उसने जला दिया था, तो शायद वो जल के राख ही हो गया होगा। यहाँ पर ये वाले विलेजर का देख रहे हो क्या हाल हुआ है। वेट, हेलो भाई साहब, अरे गलती से टोर्नेडो बुला दिया। वेट, बंद भाई, मैंने गलती से यहीं पर टोर्नेडो बुला दिया था।
ओके वो जो बचा कुचा विलेजर था वो भी शायद से गायब हो गया, मुझे उसे ढूंढना होगा कि आखिरकार वो गया कहाँ, पता ही नहीं चला। ओ वेट पूरा विलेजर, अबे जल गया क्या भाई तू, मरी गया ये, रुक जाओ उसे मैं बुझा देता हूँ, अंतिम संस्कार हो रहा है भाई लाइव। फायर एक्सटिंग्विशर मार दिया मैंने इस पे अच्छे से, तो जहाँ जहाँ आग लगी है वो सारी की सारी बुझ जाएगी। और घर के अंदर कहाँ हो गया भाई, कहीं तो बहुत ज़्यादा, अच्छा यहाँ पर क्या तेज आग लगी हुई है भाई। वेट 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 फर्नेस में तो अपने आप खाना पकना शुरू हो गया होगा, इधर जो फर्नेस बने हुए हैं दो दो, नाइस। फायर एक्सटिंग्विशर मार के ना सारी की सारी आग पहले तो मैं बुझा देता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा से फायर टोर्नेडो बुलाने वाला हूँ, वो अच्छे से डिस्ट्रॉय करेगा इसे जला के। गाइस ये देखो भी मुझे क्या मिला, ये जो एक विलेजर आपने देखा होगा जिसे टोर्नेडो ने उठा लिया था, ये भी उसके बेचारे का स्केलेटन है उसका, ये देखो ये भाई जलने के बाद ये नीचे आके गिरा था, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो ऐसा आके गिरा है, और क्या ही हाल हो गया बेचारे का। मैं इसे तोड़ सकता हूँ? नहीं, हम लोग स्केलेटन नहीं तोड़ सकते इनका, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, उठा उठा के फेंक सकते हैं बस। बाकी यहाँ पर ये ट्रैपडोर है, और क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, मैं ट्रैपडोर नहीं यूज़ कर पा रहा तोड़ ही देते हैं फिर इस। ओए ये क्या है? अच्छा यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल है जो कि जल चुका है अभी। ठीक भाई, तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं दोबारा से इस विलेज में अपने टोर्नेडो को बुलाता हूँ, और जो बची कुची जगह है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। वैसे गाइस इस विलेज का ये वाला घर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्यों ना मैं अपने टोर्नेडो को यहीं पर बुलाऊं। अरे नहीं उधर जाना है, उधर उधर सामने गया, कि सामने वाले घर का देखते हैं क्या हाल होने वाला है। ये काफी ज्यादा बड़ा घर है, और टोर्नेडो पूरा घर उखाड़ लिया जमीन से। ये क्या, वेट इसने तो बहुत ही ज्यादा जाइंट भाई, ये जाइंट मोड में आ गया, इसने इतने बड़े घर को जमीन से उखाड़ा है, उड़ा के जलाया भाई पूरा का पूरा। नाइस, सारी चीजें जल जल के बिखर रही है भाई पूरे में, नहीं बिखरने भी नहीं दे रहा वो, उनको प्रॉपर जला के रख रहा है भाई साहब। अब ये वाला घर सारे हट जलाते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा दिखेगा विलेज सब कुछ जलने के बाद, और उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा यहाँ पर, और फिर उसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ भाई, ये वाला घर भी खाली बचा हुआ है सारी चीजें तोड़वाने का ठेका लिया है भाई मैंने। तो गाइस अभी मैंने टोर्नेडो को एकदम सेंटर में जाने के लिए बोल दिया है, जहाँ पर पूरे के पूरे तीन से चार घर हैं, और ऑलरेडी ये टोर्नेडो तीन घर जला चुका है, तो पता नहीं क्या ही होने वाला है भाई इधर। तो गाइस पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट विलेज जल के राख हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे के सारे घर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एक ही लास्ट ये वाला हट बचा है। तो अपने टोर्नेडो को मैंने यहाँ पर भी बुला दिया है, और अब इस वाले घर का नंबर भी लग गया, और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, देखना भाई ये गलत लेवल हो गया। अभी मैं टोर्नेडो को सोच रहा हूँ स्टॉप करूँ, ये वाला हट बच गया, इसको भी ले जाओ भाई साहब, इस पे मैं खड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसे रुकवा रखा था, बट इसका भी नंबर लगा ही दो। ऊपर देखो क्या हो रखा है भाई, वो आ गया गया, ये जड़ से निकलेगा पक्का, ये उठा लेगा भाई इसको अचानक से, क्या आया उठा लिया ये देखो मतलब अभी उड़ा नहीं पाया, शायद पेड़ में टक गया। पिग कहाँ थे पिग? अच्छा इधर, ओ भाई इसे बंद कर देता हूँ, ऊपर का सारा सामान बिखरेगा। लेकिन अभी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे ये विलेज देखने में, मतलब टूटी फूटी चीजों में एक अलग एंशियंट फील आता है यार। तो जो बची कुछ जगह है वहां पर आरपीजी मार देता हूं, ताकि वो भी टूट जाए। ओ हो क्या मजा आता भाई आरपीजी मारने में, ये बात। और मिनी गन का तो एक अलग ही मजा है मेरे पास, देखो डुअल मिनी गन है, इससे मैं देखो एक चलाऊंगा दूसरी चलाऊंगा, जैसे हम लोग पावर वॉश गेम खेलते थे ना उसमें चीजों को साफ करते थे, ये भी उसी टाइप का सेटिस्फेक्शन देती है। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि बची कुछ जगह पर एक एस्टेरॉयड स्ट्राइक करवा दूँ। ओके आ रहा है गेम मेरा लैग होने वाला है शायद, ये खोखला कर देते हैं भाई ये चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट अचानक से ही मजा आता है इसे देखने में। देखो पूरा खत्म कर दिया वो एरिया, मैं इसे जहां पर भी गिराऊंगा वो एरिया पूरा तहस नहस है। मैंने एक और एस्ट्रॉइड बुला ली, कहाँ से आ रही है दिखी नहीं रही मेरे को, आ रही कहीं से तो आ रही है भाई, वेट आगे 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 मेरे ऊपर नहीं, मजा आ गया भाई। अभी बहुत बहुत ज्यादा जगह पर आग लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ इस विलेज को रीसेट करें। ऑलराइट गाइस, तो मैप रीसेट हो गया है, यानी सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तो मैं आपको ना कुछ नई चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक शॉटगन है, अगर मैं ये इस विलेजर को मारूं तो इसका बाय बाय ही हो गया भाई। इसको यहाँ पर एक काम है, इसको मार के देखते हैं शॉटगन। भाई ये सब चीजें माइनक्राफ्ट में नहीं होती इसलिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। इसको तो मैंने मारा भी नहीं। अरे 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 इधर आ तेरी भैंस, के मेरे पास रस्सी है, किसको ना रस्सी से बांधता हूँ। वेट तो ये रही मेरी केबल, इसको मैं ले जाके इधर लकड़ी से बांध देता हूँ। अब ये यहाँ से कहीं भाग नहीं, अबे पागल हो गया तू, इधर आ, तेरे को मैं बांधूंगा इससे। भाई ये क्या हरकतें कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ये देखना इसको
कि पता नहीं कौन सा पोशन पी लिया उसने। तो एक ये विलेजर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसका मुंह पकड़ के इस डंडे से बांध दूं। बंदा नहीं, वेट, तेरे हाथ को अगर मैं यहाँ से बांधू, बंद क्या, बंद क्या, बंद क्या, अब ये कहीं भाग नहीं पाएगा शायद। तोड़ दी रस्सी, इनमें ताकत बहुत ज्यादा यार सही में। तो वैसे ना मेरे पास ब्लॉक प्लेसर भी है, यानी मैं एक एरिया को खाली करके वहां अपना घर बना सकता हूँ। तो फटाफट से ना इधर एक छोटा सा अपना घर बनाने का ट्राई करता हूँ, बट उसके लिए मुझे ये सारे ट्री वगैरह ना थोड़े बहुत हटाने पड़ेंगे फटाफट से तोड़ के। मैं यार ये एक ट्री को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, मन तो कर रहा है टोर्नेडो बुला लूं, बट नहीं, चलो अपना घर छोटे से ही बना लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, चारों तरफ पहले तो वुड लगाऊंगा कुछ इस टाइप से, ये एक लगाया, फिर इसके ऊपर मुझे कूदना है। वेट, उड़ नहीं पा रहा मैं, ये आया और दूसरा लगाया और थोड़ा सा उड़ के ये तीसरा लगाया इधर, और फिर यहाँ पर चौथा लगाया। सेम टू सेम इधर भी एक गैप देते हैं और यहाँ पर मैं एक वुड लगाता हूँ। छोटा सा एक कमरा बना के देखता हूँ कि क्या मैं टियर डाउन में क्राफ्टिंग कर पा रहा हूँ या नहीं। ओके, तो ये एरिया मुझे ठीक लग रहा है अपना घर बनाने के लिए, बट यहाँ पर बॉर्डर है यानी मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकता। ओह वेट, ये वाले एरिया पे ना चीज़ें हटा देता हूँ सारी की सारी, फिर यहाँ पर अपना घर बनाऊंगा। बट इस चीज़ों को हटाने के लिए मुझे सारी की सारी तोड़नी पड़ेगी। बॉम्ब वॉम लगा दूँ क्या? एक मिनट रुक जाओ, फायर टोर्नेडो बुलाता हूँ, अभी हटा देगा दो सेकंड में, उसके बाद अपना घर बनाऊंगा मैं। बढ़िया बढ़िया, इधर इधर, नाइस, पीछे 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 आ जाओ, थोड़ा सा इधर भी खराब है, बढ़िया, इधर 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 भी खराब है, ठीक है। अब मैं अपना घर बनाने वाला हूँ फुल एकदम अच्छे स्पेस पे। बस भाई साहब बस, बहुत है, बढ़िया, सफाई होगी पूरी की पूरी। एक मिनट यार, एक मिनट, कई जगह पर आग लग गई है, उसे बुझाना पड़ेगा वरना पूरा गेम हैवी हो जाता है। घर के दरवाजे वरवाजे सारे जल गए, ये तो पूरा घर ही जल गया भाई कसम से। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने गाड़ी मंगवा ली है थोड़ा बहुत एरिया साफ करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक मिनट रुक जाओ, सबसे ज्यादा गंदा एरिया तो ये वाला है। इस विलेजर को उठा के ना पहले साइड करते हैं। चल भाई तू इसके अंदर आ, कोई आ नहीं रही गाड़ी में। वेट, अभी इसको यूं करके मैंने ये उठा लिया, अबे पीछे नहीं, आराम से कहाँ आगे बैठ गया भाई। वेट, मेरा पूरा का पूरा, एक मिनट यार, ये डोजर कहाँ जा रहा है गड्ढे में, और बेचारे इस विलेजर की आधी बॉडी ऊपर है और आधी बॉडी नीचे है। भाई साहब ये माइनक्राफ्ट की जमीन बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरा डोजर कभी भी यहाँ पर डूब सकता है। ओके, तो जहाँ पर मुझे अपना घर बनाना है उस जगह पर मैं इस डोजर को लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो फालतू की ग्रास व्रास है ना थोड़ी बहुत, इससे जल्दी जल्दी सारी की सारी हट जाएगी। ये कोबल स्टोन हटाया और इसको भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अभी एरिया जल्दी जल्दी साफ होगा थोड़ा सा। यहाँ पर ये मिट्टी है, ये उठा के ये सारी की सारी कर दी साइड। यार ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम टेकिंग भी है, तो ये कर दी मैंने सारी साइड इस तरीके से, बढ़िया, एकदम मस्त प्लॉट हमने बना लिया अपने लिए। ओके, तो ये गया मैं ज़मीन में, और इसको तू कहाँ आ रहा है भाई, इसकी ज़मीन कब जा रहे हैं हम लोग जो यहाँ से फैल कर आ रहे हैं। तेरी भैंस घटी तरह, निकल यहाँ से ओ भाई, खुंदक में ना हो पता चला फिर हमें मारे अभी। अच्छा ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ना मेरा डोजर टूट चुका है, तो अभी बहुत है, बहुत हो गया, अभी इसको यहाँ से उतरते हैं। यार रुक जाओ, इसको यहाँ से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर घर बनाना है। अच्छी बात तो ये कि इसके टायर बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और ये 4x4 भी है, इसलिए चढ़ जा रहा है, वरना तो काफ़ी हार्ड होगा इसे चढ़ाना। ये इसको अगर ऐसे ले जाऊँ तो चढ़ जाए यार, कहाँ जाना है, तो खींच ले भाई, खींच ले यार, कर दे भाई। ओके ओके ओके, तो फाइनली फाइनली ये बाहर आ गया, इसका पैर ना आ जाए तेरी भैंस की, इतने बड़े विलेज में यही जगह मिल रही है घूमने के लिए। अबे निकल निकल उधर, कहाँ गया, इसको उठा के फेंकता हूँ मेरे को, ये तेरी भैंस की, उधर निकल, अरे तो यहीं पर घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना प्लैंक्स का एक बेस बनाते हैं, अच्छा सा प्यारा वाला एकदम। तो एक दो तीन चार पाँच, और एक लगाया इधर, ये वाला ख़राब है, तो यहाँ पर पूरा पहले बेस बनाता हूँ, फिर चारों तरफ वॉल बनाऊंगा। ओके, तो ये 4x4 का बेस मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। अब चारों तरफ ना ये ओक लोग लगाते हैं, यहाँ पर उड़ उड़ के थोड़ी सी हाइट पे ले जाता हूँ इसे, 1 2 3 और ये 4। अब सेम टू सेम ऐसे इधर भी मुझे करना है, तो यहाँ पर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, बट वेट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे इधर लगाना है फटाफट से। अब चारों तरफ एक कोबल स्टोन का वॉल बना देता हूँ, बीच में थोड़े बहुत ग्लास लगा दूंगा जो कि बहुत प्यारे लगेंगे। लेट्स गो, तो यहाँ पर लगेंगे ग्लास, सेम टू सेम इधर भी करते हैं। इतना मजा तो माइनक्राफ्ट में घर बनाने में नहीं आता जितना मुझे आज टियर डाउन में आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वैसे इसके पीछे का रीज़न ये है, मैं इस घर को थोड़ी देर में बहुत बुरी तरह तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये बन चुका है, मुझे इसकी छत बनानी है ना घर की, छत मैं सोच रहा हूँ यार प्लैंक से ही बना देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बनाने का ट्राई करूंगा, मतलब पहले एक ये फिर एक ये ऊपर, लेट्स गो। तो चलो गाइस समझ लो छत भी तुम्हारे भाई ने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दिया, एकदम बढ़िया तरीके से,
कहाँ गिर रहा हूँ मैं? गाइस मुझे कमेंट्स में बताना कि क्यों ना हमें टीए डाउन में एक बारी अपना माइनक्राफ्ट का कासल भी बनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में बताना, मजा आएगा। थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है बट इसमें ब्लॉक अनलिमिटेड है तो हम लोग जल्दी बना सकते हैं, हमें माइनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो भी तो सोचो ना, उसे तोड़ने में कितना अलग फील आने वाला है, फुल रियल फिजिक्स के साथ अलग अलग अटैक करेंगे टोर्नेडो वाले, बहुत कुछ होने वाला है। बाकी ठीक है, इधर स्टेयर मुझे लगाना है, ये लगा दिया और अपना घर ठीक ठाक कह सकते हो लग रहा है, पर पता नहीं क्यों कहीं कहीं से थोड़ा अजीब कमजोर सा भी लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कवर करके यहाँ पर ये लगा देता हूँ नीचे पे, ये एक। ओके तो मान लेते हैं अपना घर जो है पूरा हो चुका है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि भले ये ज़्यादा अच्छा ना दिख रहा हो बट यार टाइम लगा है इसको बनाने में थोड़ा बहुत, तो क्योंकि अभी मैं टीयर डाउन में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ना बिल्ड में। बाकी ठीक है, इसको तोड़ते हैं, मज़ा तो आने वाला है क्योंकि, तो मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। पहले तो इस पर एक आरपीजी टेस्ट करेंगे, वेट मैं इस पर फ्लेम थ्रू एस्ट्रॉइड टेस्ट करने का मैंने, बट अगर वो गिरा दिया तो ये ख़त्म ही है, तो थोड़े में आरपीजी मारता हूँ। नाइस, घर बहुत प्यार से टूटा है, और अगर मैंने टोर्नेडो भेजा वो तो खा ही जाएगा, ले भाई खा जा, ख़त्म, बहुत है, बस 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 भाई साहब बस हो गया, दिख गया मेरे को बंद, अच्छा नहीं लग रहा अपना घर टूटते देखते इसको। अच्छा इस वाले घर में आपको याद होगा थोड़ी सी आग लगी थी और मैं बुझाने में लगा हुआ था, बट नहीं, धीरे धीरे करके घर पूरा ही जल गया, कुछ बचा ही नहीं उसमें। वैसे भी मुझे पता चला है कि इनमें से किसी एक घर में ना टीएनटी है शायद से, वेट में ढूंढता हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसा टीएनटी है, क्योंकि जब हमने टोर्नेडो भेजा था तो कहीं बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुए थे। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे घर ही चेक कर लिए हैं, बट एक बार इस वाले घर के अंदर भी चल के देख लेते हैं, हो सकता है इसमें तो टीएनटी नहीं है। इस वाले को चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसमें टीएनटी हो, वेट इधर भी नहीं है, इधर ओ इसमें डबल चेस्ट है, वेट इसको ओपन करो, क्या क्या सामान है, ओ भाई ये पूरी भरी हुई, आ जा जा, स्वॉर्ड ओ तेरी, खुल खुल खुल, निकल यहाँ से, इसे हटाओ भाई, डायमंड वगैरह पड़े हैं इस चेस्ट में तो, लेट्स गो। ये रही एक आयरन का पिकेक्स, इसको हटाओ जरा, यहाँ पर हमको डायमंड चाहिए, ये रहा डायमंड, ये देखो गाइस ये डायमंड है, और ये शायद गोल्ड है, ये रहा गोल्ड, और क्या है, ये तो काम का नहीं है, ये भी स्वॉर्ड वगैरह, सारे टूल ही हैं फालतू के, बाकी थोड़ा बहुत रेडस्टोन है, लेकिन टीएनटी नहीं मिला यार, टीएनटी मैंने देखा था यहाँ पर, दो दो डोर लगे, क्या पता इसी के अंदर टीएनटी किसी ने संभाल के रखा हो, बट नहीं है। इसके अंदर एक फर्नेस में कुछ तो है, वेट हटिए जरा, खोलू से, ओ भाई ये बहुत मजबूत है। ठीक है तो छोड़ो, शायद टीएनटी नहीं होंगे, हो सकता है वो मेरा वहम हो, बट हाँ मुझे ऐसा लगा था कि कहीं पर ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं तो टीएनटी हो सकता है वहाँ। तो गाइस ठीक है, फिर मैं तो अपनी लग्जरी यॉट लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। बाकी अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वेट 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 एक सेकेंड, सामने मेरे को टीएनटी दिख चुका है, रुक जाओ, इस टीएनटी पे ना आरपीजी फेंक के मारूंगा, इतनी देर से नहीं ढूंढ रहा था तो मिला नहीं, ये करा रिलोड और ये मारा, डबल ब्लास्ट हुआ है, एक आरपीजी का एक टीएनटी का, शायद से मुझे पता नहीं चला क्योंकि आरपीजी का भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लेट्स गो, यॉट लेकर निकलते हैं, बाकी मिलेंगे किसी और खतरनाक जगह पे कुछ और खतरनाक डिस्ट्रक्शन के साथ। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे बेस्ट डिस्ट्रक्शन कौन सा लगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.